हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन लेके आऊं कल के लिए बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट देते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं जिनको भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों ऐप स्टॉक का, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। देन हमारे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लेवल प्रोवाइड किए जाते हैं प्रीमियम टेलीग्राम में, तो आप लोगों को वहां पर प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। अब आइए आज का मार्केट अपडेट दे देता हूँ। जिस प्रकार से मार्केट का अपडेट है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो 10,550 का लेवल ब्रेक हो गया, काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ से हमें लग रहा है कि 11,000 तक जाने में ज़्यादा तेज़ी दिखेगी अपने को दोस्तों, और काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। 36 स्टॉक ऐसे थे जो काफ़ी अच्छे खासे पॉजिटिव रहे, 14 स्टॉक जिन्होंने मार्केट का सपोर्ट नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। अब आइए जो आप लोगों के लिए फर्स्ट स्टॉक है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। अब आप चेक कर सकते हो सिप्ला लिमिटेड, ये आप लोगों का फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। आप लोगों को पता ही है, आज देख सकते हो 4.25% की तेज़ी के साथ स्टॉक बंद हुआ है। यहीं पर आपको प्रीवियस क्लोज देखने को मिलेगा, लगभग ओपन आई देखिए, देन उसका हाई चेक कर सकते हो, वहीं पर आप उसका लो, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम रहा था दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ आज का ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में, तो आप देखोगे तो आपको लगभग 61 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट देखने को मिलेंगे शेयर दोस्तों। वहीं पर ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेग में 40 लाख शेयर यहाँ पर 40 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। वहीं पर आप लोगों को डिलीवरी पैटर्न देखने को बताता हूं दोस्तों, तो आप देख सकते हो 15-30 हज़ार के समथिंग डिलीवरी पैटर्न, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों। एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, थोड़ी बहुत भी न्यूज़ आती है ऐसी कंपनी में दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम उसमें देखने को मिलता है। अब आइए इसके भी चार्ट पैटर्न पर लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दोस्तों, स्टॉक में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई, जो बाइंग हुई, उसके बाद स्टॉक में कोई भी, मतलब फ्लैट था स्टॉक पूरा। लेकिन जब लास्ट हाफ में जब मार्केट में थोड़ा सा तेज़ी आया, स्टॉक में सडनली तेज़ी आया, और वो कुछ न्यूज़ आया था दोस्तों, उस न्यूज़ का तेज़ी आया और अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। मात्र 15 मिनट में स्टॉक का मूवमेंट बदल गया। 5 दिन की अगर तेज़ी बताता हूँ, तो आप 5 दिन की तेज़ी देख सकते हो, 2.5% की तेज़ी, क्योंकि जो न्यूज़ आया दोस्तों उसका असली मूवमेंट आप लोगों को कल की डेट में मिलेगा। अब कल की डेट में वो किस प्रकार से मिलेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्टॉक का मोमेंटम काफी अच्छा खासा है, 650 पे आप इसको अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ बाय करोगे दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ 51-52 जो भी प्राइस पे मिलता है, 55 के अंदर अंदर आप बाय करिए। लगभग मैं टारगेट की बात करता हूँ, तो आप 60 का टारगेट रखिए, 10 रुपये का इजीली लीजिए। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ, तो 45 का स्टॉप लॉस लेकर चलिए, आपको अच्छा खासा मोमेंटम इसमें मिल जाएगा। अब आइए सेकेंड स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोगों के लिए जो सेकेंड स्टॉक है उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ दोस्तों, आप देख सकते हो 6.5% की तेज़ी स्टॉक में रही थी। प्रीवियस क्लोज, गैप अप ओपनिंग, देन उसका हाई चेक कर सकते हो, देन उससे लो से अगर कंपेरिजन करोगे तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर आप देखोगे ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लगभग 1,65,00,000 शेयर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ट्रेड वॉल्यूम नंबर आप लेक में देखोगे तो 86 लाख के समथिंग है। अब ऑटो सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं कि तेज़ी के साथ साथ डिलीवरी पैटर्न काफ़ी सुधरती हुई दिख रही है। मतलब 25% से डाला की डिलीवरी है, जो कि 42 लाख के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हो दोस्तों। तो आपको जो मोमेंटम मिल रहा है, जो तेज़ी आ रही है, तेज़ी के पीछे ट्रेडर्स ज़्यादातर भागते हैं कि स्टॉक में तेज़ी आई है दोस्तों, तो हम इस स्टॉक को बाय कर ले, आराम से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, देन उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब इसका भी चार्ट पैटर्न पर समझ लेते हैं अपन, कल के लिए क्या मोमेंटम मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, चार्ट पैटर्न पर शानदार मोमेंट, क्योंकि जो इसका न्यूज़ आया था, जो इन्होंने जून क्वार्टर में दोस्तों अच्छी खासी यूनिट सेल किए हैं अपनी मार्केट में जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखिए, जिस प्रकार से तेज़ी आई आप देख सकते हो, वन साइडेड मोमेंट स्टॉक में रहा था दोस्तों, और अच्छा खासा बाउंस बैक ये देख सकते हो यहाँ पर जो आया, काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम आया था, ठीक है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो 5 दिन के चार्ट में आपको 4.5% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अनुमान ये है कि जो यहाँ से जो आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट से जो तेज़ी आई है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए लगभग यहाँ से 550 के
प्राइस तक। तो अपने को भी इंट्राडे पे भी, देन जो पोजिशनल वाले ट्रेडर्स है उनको भी अच्छा खासा मोमेंटम मिल सके, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू अपन देखते हैं पोजिशन, मतलब 532 इसका एक तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो इजीली अपने को ये 540 देके जाएगा टारगेट अपना, ठीक है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो आप 528 मतलब 4 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलना। दोनों स्टॉक में दोस्तों प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च हुआ है, बाकी जो भी कंडीशन आती है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर से पूछ कर ही इसमें पोजिशन बना के काम करिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। वीडियो को क्लोज करते समय आप लोगों को वीडियो को लाइक करने, देन चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।